चैप्टर 13 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है, एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन द सर्किट रिड्यूस सब्सटेंशियली, डज नॉट चेंज, इंक्रीज हैवीली, वेरी कंटिन्यूसली। तो इसे समझने के लिए आप ऐसे समझिए, सपोज कीजिए हमारे पास ये एक बैटरी है, बैटरी का ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है आर, यहाँ पे कोई की है। शॉर्ट सर्किट का मीनिंग क्या है, शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है पॉजिटिव और नेगेटिव वायर या फिर लाइव वायर और न्यूट्रल वायर का सीधा कांटेक्ट में आ जाना। अगर हम इसे कांटेक्ट में इस टाइप से क्लोज कर देंगे तो देखिए ये बैटरी का पॉजिटिव और नेगेटिव या फिर कह सकते हो न्यूट्रल वायर और लाइव वायर सीधे कांटेक्ट में आ जाते हैं। तो इसमें केस में क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस बाईपास हो जाता है, करंट इसके अंदर हैवीली फ्लो करते हैं। करंट जब रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, करंट एकदम से ज़्यादा फ्लो करेगा। तो यहाँ पे क्या है, रिड्यूस तो होगा नहीं, ये वाला ऑप्शन गलत है। डज नॉट चेंज, चेंज होता है, ये भी गलत है। वेरी कंटिन्यूसली, इसका मतलब है चेंज होता रहेगा, कभी बढ़ेगा कभी घटेगा, ऐसा नहीं होता, सिर्फ बढ़ता है, तो ये वाला भी गलत है। होगा क्या, अब इंक्रीज हैवीली, एकदम से अचानक ही बहुत ज़्यादा करंट इंक्रीज हो जाता है, तो ये वाला ऑप्शन अपना करेक्ट है। तो शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या बताया, लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाना, डायरेक्ट कांटेक्ट। इसका मतलब है किसी भी टाइप से अगर लाइव वायर और न्यूट्रल वायर आपस में टच हो जाते हैं तो उस केस में शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो इसे इस टाइप से समझा जाता है।